नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। अभी मैं हूँ ऊटी की हसीन वादियों में और अभी मैं पहुँचा हूँ बेल लॉकडाउन नेचुरल ट्रेल। एक जगह है, इसको नाइन्थ माउल के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे बॉलीवुड के कई गाने यहाँ पे शूट हुए हैं, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी की यहाँ पे शूटिंग हुई है, नगीना की शूटिंग हुई है, निगाहें की शूटिंग हुई है और साजन मूवी के भी यहाँ पे कुछ सीन लिए गए हैं। तो अभी हम चलेंगे अंदर और अंदर चल के आपको दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पे मूवियों के गाने शूट होते हैं, तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, कैसे यहाँ के नज़ारे रहते हैं। मेरे पीछे यहाँ पे इसका एंट्री गेट बना हुआ है, जहाँ से हम अभी एंट्री लेंगे, जिस पे लिखा हुआ है बेल लॉकडाउन नेचुरल ट्रेल और ये है इसका एंट्री गेट। तो यहाँ से हम अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के टिकट लेते हैं। टिकट यहाँ पर जो है 1 पर्सन का 20 रुपये का है और कैमरा छोटा अगर कैमरा है आपके पास तो उसका 30 रुपये का है, बड़ा कैमरा है तो 100 रुपये का है और उससे भी बड़ा कैमरा है तो 1000 रुपये का यहाँ पे है। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के टिकट लेते हैं। ये यहाँ पे टिकट घर बना हुआ है, एक बार टिकट लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। यहाँ से जो सीन आ रहा है ना, बहुत ही मस्त सीन आ रहा है। और आमिर खान जो जन्नत दिखाते हैं करिश्मा कपूर को, वो और ऊपर से दिखाते हैं। तो हम अभी और ऊपर चलते हैं और हम भी जन्नत देखते हैं आज और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, राजा हिंदुस्तानी का एक सीन यहाँ से लिया गया है जिसमें आमिर खान और करिश्मा कपूर खड़े रहते हैं इसी ग्राउंड में और पीछे का नज़ारा सेम दिखता है ऐसे ही। हालांकि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि कई साल पुरानी यहाँ पे बात हो गई है शूटिंग की। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये इसी राउंड में है जैसे आपको स्क्रीन शॉट में दिख रहा होगा। दोस्तों, एक बार आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है। हालांकि अभी क्या है कि यहाँ पे कोहरा है जिस वजह से उतना साफ नहीं आ पा रहा है, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। यहाँ पे बॉलीवुड के कई गानों को शूट किया गया है, ये देख लीजिए। और आगे यहाँ पे बहुत घने घने पेड़ भी हैं। दोस्तों, राजा हिंदुस्तानी मूवी में एक सीन वहाँ से लिया गया है, वहाँ से। ये जो आपको दिख रही है ये टी गार्डन है और उधर भी टी गार्डन है, तो वहाँ से एक सीन लिया गया है। तो उधर ही चलते हैं और पास में चल के आपको वहीं से दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, मूवी में एक सीन यहाँ से लिया गया है जिसमें आमिर खान और करिश्मा कपूर यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ बीच में एक पत्थर भी पड़ा था उस टाइम पे, यहाँ दोनों लोग बैठे होते हैं और पीछे का नज़ारा आप देख लीजिए। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इन पेड़ों का भी सीन है और ये पेड़ ऐसे करके यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं। उस टाइम पे ये जो घर बने हुए हैं ये घर नहीं थे, और जो वो आपको दिख रहे हैं ना चाय के बगीचे, तो वो तो थे उस टाइम पे भी। और यहाँ पे एक मतलब कटिंग टाइप का बगीचा था, जो जगह अभी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर एक मतलब धारीदार बगीचा था जिसमें धारियाँ सी बनी हुई थी। और ये वाला जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ को देखिए आप, इसके चारों तरफ पेड़ पहले भी थे और बीच में वहाँ पे पेड़ नहीं थे, जहाँ आज भी पेड़ नहीं है। ये जगह ऐसे ही खाली है, तब भी खाली थी और आज भी खाली है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पे था ऊपर तो मुझे ये जो दिख रहा है ना, इसको मैंने सोचा ये जो है ये चाय का बगीचा है, चाय का बागान है, लेकिन जब मैं पास आया तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि गाजर का जो पेड़ होता है ना, उस टाइप के पत्ते हैं इसके। अगर आप लोगों में से कोई जानता है तो कमेंट में बताओ हमें कि ये क्या चीज़ है। और अभी चलते हैं उधर, कुछ सीन वहाँ से फिल्माए गए हैं तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों मूवी का एक सीन यहाँ से लिया गया है जिसमें आमिर खान यहाँ पे खड़े रहते हैं यहाँ पे, और उधर को मुंह करके वो कहते हैं कि मैम साहब सबसे खूबसूरत हैं। तो वो वाला सीन यहीं से लिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं वो जो पानी दिख रहा है आपको, वो सामने जो झील दिख रही है वो भी दिख रही होगी, ये वाली झील दिख रही होगी, और यहाँ पे ये जो पेड़ हैं ये पेड़ भी दिख रहे होंगे। हालांकि उस टाइम पे क्या था कि शायद मौसम सही होगा, और अभी क्या है कि बादल से छा गए, पूरा काला काला कर दिया है, जिस वजह से यार सीन ही नहीं बन पा रहा सही से। दोस्तों यहाँ के सीन मैं दिखा चुका हूँ आपको, यहाँ पे एक तो सीन वो लिया गया था जब आमिर खान इधर खड़े होके ये जो पहाड़ है इससे नीचे, वो मैंने सीन अभी आपको दिखाया था, वहाँ पे खड़े होके कहते हैं कि मैम साहब सबसे खूबसूरत हैं, तो वो वाला सीन यहाँ से लिया गया था। और एक सीन मैंने आपको जो दिखाया था जिसमें मैंने आपको चाय के जो बाग दिखाए थे, वो मेरे पीछे जो दिख रहे हैं वहाँ पर हैं, वहाँ पर मैंने एक सीन दिखाया था जिसमें जो करिश्मा कपूर और आमिर खान होते हैं वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो अब हम चलेंगे इस पहाड़ पर इस तरफ और वहाँ से नज़ारे दिखाते हैं कैसा क्या रहता है। दोस्तों अभी मैं पहाड़ के ऊपर पहुंच चुका हूं और थोड़ी थोड़ी धूप यहां पे निकली हुई है, जिस वजह से आप दूर वाले जो नज़ारे हैं उनको क्लियर देख पाएंगे, हालांकि मेरे पास में अभी धूप नहीं है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहां के। दोस्तों आप यहां के पूरे नज़ारे देख चुके हैं, और यहां पे बॉलीवुड ही नहीं, यहाँ पर कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और यहाँ तक कि हॉलीवुड की मूवियों की भी यहाँ पे शूटिंग होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजा हिंदुस्तानी में जो किसिंग सीन फिल्माया गया था वो यहाँ तो मिल नहीं रहा है, हो सकता है कुछ यहाँ से फिल्माया गया हो। एक नदी यहाँ से दिख रही है पानी की उधर, जो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगा। दोस्तों जो किसिंग सीन लिया गया था उसमें आपको पीछे ये दिख रहा होगा, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसमें भी दिख रहा था, और उनका जो किसिंग सीन वाला सीन था वो यहीं कहीं से हुआ था। उस टाइम पे यहाँ पे शायद पेड़ था, अब वो पेड़ यहाँ पे नहीं है, तो सीन उनका यहीं से शूट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे वाली बैकग्राउंड आपको ऐसे ही दिख रही होगी, और जिस पेड़ के पास उनका सीन फिल्माया गया था वो पेड़ अभी यहाँ पे नहीं है। पीछे की बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं, ये पानी उसमें भी आपको दिख रहा होगा और इसमें भी आपको दिख रहा है। हालाँकि उनके जो कैमरे में थोड़ा जूम करके लिया गया था तो पानी बिल्कुल साफ आ रहा था, और उनके जो कैमरे होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। दोस्तों अभी हम ऊपर से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है इस तरफ, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नज़ारा, शायद यहाँ पे भी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो यहाँ के भी आपको नज़ारे दिखा देते हैं। हालांकि ऊपर से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे, एक बार हम उधर चल के देखते हैं कि कैसे नज़ारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े भी बंधे हुए हैं, आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऊटी की एक बहुत ही खूबसूरत जगह को दिखाया, जहां पे 90 के दशक में बॉलीवुड के रोमांटिक गाने शूट किए जाते थे। तो आई होप आपको ये जगह पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।